मायरियर स्टूडेंट्स लेट एस गेट टूगैदर इंटेलैक्चुअली फिजिकली इमोशनली फॉर सेशन नंबर फाइव हमने लास्ट सेशन में नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर्स और कंज्यूमर की तो बात की थी लेकिन आपकी बात नहीं हुई अभी नॉलेज वर्कर्स की वो इनशाला आज करेंगे और फिर यह बात करने के बाद वी विल पुट इट ऑल टूगेदर टू सी हाउ दिस वर्ड इज गोइंग टू लुक फॉर the next 5 to 10 years. How the things are changing, what kind of new strategies, new work models, new paradigms are required to work in the knowledge economy. But today we also want to learn something, that the knowledge and information economy that we are talking about, before this it was industrial economy, so what does all that mean? You must have started to understand when i share with you the data in the form of the number and the text, and some video as well, and plus i am putting all this together to ask you that please generate some information for yourself at the personal level maybe. is knowledge-based economy, number one, how can we develop our country, pakistan, to be part of that club, to be known as knowledgeable, to produce those knowledge-based product, knowledge-rich products, information-rich products, so that it should give a better brand. देखिए trends to change हो ही रहे हैं। आज से 5 साल पहले कभी आपने सुना था कि मलाइशिया से मकान बनाने वाली कंपनियां आ जाएंगी? ये नहीं थे trend. दीज ट्रेंड्स आर चेंजिंग वाई बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड सो क्विकली सो इजीली सो चीपली तीनों चीजें आ गई ना क्वालिटी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन क्विकली अभी इधर आपने ईमेल लिखी उधर से जवाब आ गया यहीं बैठकर आपने इंटरव्यू दिया किस कंपनी के लिए जो शायद ब्राजील में काम कर रही थी दुबई में काम कर रही थी सिंगापुर में काम कर रही थी टेक्निकल इंटरव्यू भी हो गया एच इंटरव्यू भी हो गया विदाउट एनी कॉस्ट आपको ट्रेवल तो नहीं करना पड़ा ना जहां आपके पास टेलीफोन की फैसिलिटी है इंटरनेट की फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी और तीसरी बात हमने ये कही कि दिस ब्रिंग्स रेवेन्यू देखिए एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस मीन्स प ऑन जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर यूर सेल्फ एंड फॉर द कंपनी यू वर्क फॉर फॉर द गवर्नमेंट यू वर्क फॉर फॉर द कम्युनिटी यू वर्क फॉर इसके बगैर तो बात नहीं बनेगी ना मैं अगर इस एक घंटे या पचास मिनट के सेशन के अंदर आप के नॉलेज के या इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा नहीं करता तो आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू इज इन दैट ट्रू अब आप क्लास में आए हैं और जब तक आप इस क्लास से रुखसत होंगे तो कुछ नई इंफॉर्मेशन कुछ नया नॉलेज मिलना चाहिए और डेफिनेटली जब आप नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें फिर मेरा एक्सपीरियंस तो आपसे फिर डबल है तो क्या उस एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ सिखाया मेरी एक्सपर्टीज कुछ उन लोगों से बेहतर हुई कि जो लेट से नॉन पी एच डी है एंड दे आर रेडी टू कंट्रीब्यूट इसलिए कि असल एज इसमें है हु इज रेडी टू कंट्रीब्यूट एंड ऑफ कोर्स द मार्केट इज विलिंग मार्केट इज रेडी टू पे द प्राइस टू पे द वैल्यू मार्केट ऐसी भी नॉनसेंस नहीं है मार्केट ऐसी भी लेस डिवेलप्ड नहीं है कस्टमर ऐसा भी नॉन इंटेलिजेंट नहीं है कि आपको आपके आइडिया की एक्सपर्टीज की नॉलेज की प्राइस पे दैट्स व्हाट वी कॉल मार्केट वैल्यू तो जरा फिर जल्दी से बताइए कि हमने नेट जनरेशन कस्टमर्स की जो बात की वो या उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ऐसे कस्टमर्स नहीं वैसे तो देखिए आपको कस्टमर्स हर एज के मिलेंगे लेकिन हम उन कस्टमर्स की बात कर रहे हैं उन पे जरा फोकस कर रहे हैं आर इन देर द्वेंटीज एंड थर्टीज इसलिए कि नेटवर्क खास तौर पर इंटरनेट पाकिस्तान में तो एटीज में आया लेकिन बहरल यूरोप या स्टेट्स में उससे पहले भी अवेलेबल था खास तौर पर इंटरनेट की वैल्यू तो बहुत बढ़ गई बिजनेस वैल्यू दर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 एंड ऑल दीज एच टी एमएल डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस and then you know html document and xml document and all this web services ww2 ki baat hone semantic web ki baat hone lagi aap it ke student hai and we speak of not only databases anymore then we talked about data mining and data warehousing no 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 not anymore. we need some business intelligence tool analysis Seb girta sabhi ne dekha एनालाइज नहीं किया ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या है डाटा सबने देखा कोई वीडियो का डाटा है कोई ऑडियो का डाटा है कोई टेक्स का डाटा है कोई नंबर का डाटा है बट दिस इज ऑल फैक्ट सब देख रहे हैं सेब गिर रहा है बट हे कम्स अ अंटरल मैन यू लुक डैट यूज हिज एक्सपीरियंस यूज हिज एक्सपर्टीज इंट्यूटिवली एनालिटिकली And he gave you laws of motion, laws of gravity. That is where the edge lies. My dear students, that is my desire from you. That please, observations are all there. Open your eyes, open your mind, open your heart. You we know, are, We are no less than any country of the world. We got natural resources. We got फाइनेंशियल रिसोर्सेस कमी नहीं है मैंने कहा था ना कोई फैमिली को कोई फ्रेंड कोई एंजल कोई बैंकर और अब तो देखिए गवर्नमेंट इज विलिंग टू हेल्प यू कंट्रीब्यूट यू लेट यू नो फैसिलिटीज कमिंग टू यू ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और हमने कहा था ना यू डॉट है फ्रांस और स्वीडन Or Australia or UK. Look at those universities which are going to open in Pakistan from France, from Sweden, from Australia. All what's required is are you ready to contribute creatively in the knowledge-based economy? So Jaldi I can net generation customers key characteristics. Number one. देखिए मैं भी नोट्स नहीं देख रहा हूं आप भी नोट देखे बताइएगा नंबर वन ही और शी डज नॉट थिंक इन फिजिकल बॉर्डर्स ही और शी वुड लाइक टू गो ऑन द वेब सी द प्रोडक्ट वेयर इट्स अवेलेबल चीपर इन प्राइस बेटर इन क्वालिटी ऑफ माई टेस्ट टेक आउट द क्रेडिट कार्ड पेट एंड सम कुरियर सर्विस वुड बी देयर द प्रोडक्ट विल कम टू योर हाउस He or she would like to order a hamburger. And the company will provide that hamburger or pizza. Or, those who think about opening a new business on web using the mobile phone or wireless local loop. Wireless based devices. Don't that infrastructure is not available. Wireless does not need those poles. अच्छा जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं आप में से कौन वो हो सकता है कि जो उन देहातों के लिए प्रोडक्ट और सर्विस बनाए कि जहां बिजली नहीं है अभी भी कुछ देहात हैं नो प्रॉब्लम सो कम अप विद ए प्रोडक्ट लुकिंग एट द कस्टमर और द टारगेट मार्केट अब वो जमाना नहीं रहा जब आप कह रहे हैं ना कि एज को देखिए जेंडर को देखिए डेमोग्राफिक्स को देखिए आपने तो कहा था उसके बिहेवियर को देखिए उसकी वैल्यूज को देखिए फिर उसको प्रोडक्ट दीजिए इन अदर वर्ड्स फर्स्ट यू कलेक्ट द डेटा अबाउट दैट कस्टमर फर्स्ट यू कलेक्ट द डेटा अबाउट दैट मार्केट फर्स्ट यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट यू लाइक टू सर्व उसके मुताबिक फिर प्रोडक्ट डिलीवर कीजिए तो ये नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर्स बॉर्न आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी इन द एज ऑफ ट्वेंटीज एंड थर्टीज उसको भी फर्दर सेगमेंट कर लीजिए आप इसलिए कि थर्टीज वाले वो होंगे कि जिनको तीन चार साल का एक्सपीरियंस हो गया कंपनियों में काम करते हुए बैंक ऑफिसर्स मेडिकल डॉक्टर्स लॉयर्स कंसल्टेंट्स एडवर्टाइजर देखिये मैंने बहुत सारे नाम ले दिए नर्सेस इनकी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं थोड़ी सोफेस्टिकेशन कुछ और चाहते हैं

They would like to be informed and updated. But I have seen in Pakistan. I have seen on Monday they will have something different. On Tuesday they will have something else. On Wednesday they would be talking about something else. My dear students, these are the net generation customers. Number two, three things. Recall, we will net generation knowledge workers. Ki baat karenge. So number two. These are the net generation customers who would like to buy yes Pakistani product, but if they can find a better value product from somewhere else, they will do it. Because they are only concerned that they get the best value for their money. Am I right? Customer so, customer mindset. सो कंपिटिटर मैनुफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर रिगार्डलेस फ्रॉम वेयर ही और शी इज कमिंग टू यू कॉलिंग टू यू यू आर पेइंग यूर मनी यू आर द बेस्ट फॉर इट अच्छा अब इसमें तो यह भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब शहरों में रहने वाले सिर्फ अच्छी तालीम चाहते हैं आप मुझे बताइए क्या छोटे शहरों तहसील कस्बे विलेज के लेवल के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आप नहीं ले रहे यू वॉन्ट बेस्ट फॉर द मनी नंबर तीन क्या चीज है दे लाइक टू स्पीक आउट दे हैव दर ओन स्टाइल दे हैव दर ओन पावर टू स्पीक आउट कंज्यूमर आप में से जिन लोगों ने माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्सेस रेवलरीज पावर्स की फ्लिक्ट एंड क्लैश इन द मार्केट फ्री मार्केट मैन्युफैक्चर है पावर कंज्यूमर हैव द पावर आप मुझे बताइए मैन्युफैक्चर के मुकाबले में सर्विस प्रोवाइडर के मुकाबले में हु मोर पावर हु इज डिकटेटिंग द प्रोवाइडर वट काइंड ऑफ सर्विस ही और शी वॉन्ट अब तो ऐसे हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में जिनको कस्टमर पहले पूछते हैं कौन डॉक्टर होगा क्या फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं मुझे ये डॉक्टर नहीं चाहिए मुझे वो डॉक्टर चाहिए जो सिंगापुर से यूएसए से आकर मेरा ऑपरेशन करे एंड हॉस्पिटल फाइन थिएटर अवेलेबल है नर्सेज अवेलेबल हैं इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं भाई पेशेंट अवेलेबल है पैसे देने वाला तो डॉक्टर कहीं से भी आ जाएगा दैट इज द नॉलेज बेस्ड इकॉनमी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी यस As long as it's there, performance is required. So, in other words, information is playing its role. Knowledge is expanding these markets. So then, let us see. Then, are you ready now? I would like to share with you what you want. Knowledge workers, net generation knowledge workers, conse who are born after 1970, who are in their 20s and 30s. लार्जर नंबर स्पेशलीन द एशियन रीजन आसियान साक् इको का भी मैंने नाम लिया था मैं सभी को तस्वर कर लेता हूं पाकिस्तान के गिरदो कुछ है वह सारी हमारी मार्केट है और फिर वाई नॉट साउथ अमेरिका यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इट डिपेंड्स हाउ वुड यू लाइक टू यूज दिस वेब हाउ वुड यू लाइक टू यूज यूर नॉलेज I would like to use and exploit information of yours and information of the market and information of the customers. Provide them services and product and the dollar will follow you and the rupee has no problem to follow you. That generation knowledge workers. Number one, do you agree with this point of view or not? You have a choice. It is a world of choices. मैंने कहा था ना मंडे को रेड स्ट्रैप की घड़ी पहननी है ट्यूसडे को पर्पल की वेन्सडे को ब्लू की और थर्सडे को वाइट की चॉइस एंड चॉइस इज अवेलेबल कंपनियां हैं ऐसी जो चॉइस दे रही हैं आपको दीज आर द नॉलेज वर्कर्स नंबर वन हुयर्स अबाउट मनी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट बोथ अब वो जमाना नहीं है कि आप दो रुपए ज्यादा देकर लोगों की सेल्फ एस्टीम को हर्ट करें Organization have to think about it. Here is a knowledge worker. uski characteristic है? can read, can write, can use technology, and can think analytically. Charge isn't share currently. In other words, he or she has her own personal capital. Her expertise, her knowledge is required as a factor of production to deliver the services, to deliver the product. द कस्टमर ऑफ द कंपनी आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं आपका बॉस आपका मालिक आपकी कंपनी आप मुझे बताइए वुड यू बी सेटिसफाइड वुड यू बी मोटिवेटेड वुड यू गिव यूर माइंड वुड यू ब्रूव द प्रोसेस वुड यू ट्रीट द कस्टमर्स ऑफ दैट कंपनी मेक दम लॉयल एंड कमिटेड प्रॉब्ली नॉट That's a choice. So salary to leni, leni hai. But please, I want to be respected. And yes, companies are respecting them. Wojo experienced worker. Wo jo knowledgeable worker. Dekhe, uh, you made a plan, you made a sales plan, you made a marketing plan, you made a brand related issues. You are adding more into the brand image of the company. company will listen to you. अगर आप uh, mediocre or knowledge भी आपका outdated है और job के चकर choice. Hai. Are you after the job? Or is the job after you? Please develop your potential and expertise and knowledge.

पंजाबी की हुई है एम ए और मैं क्या सब्जेक्ट का नाम लूं? और वो भी कुछ आउटडेटेड नॉलेज है तो जरूर जु, कीजिए लेकिन सप्लाई डिमांड के इश्यू को भी सामने रखिए हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हैव, यू नो दो ऑफ स्पेशलाइजेशन ये जब मुझसे स्टूडेंट आते हैं और बात करते हैं और मैनेजर्स कहते हैं जी के जॉब मिल नहीं रही मैं ही कहता हूं कि हैव यू क्रिएटेड अ जॉब फॉर यूर सेल्फ वट काइंड ऑफ नॉलेज यू आर गिविंग टू द मार्केट टू दी सप्लायर टू दी कस्टमर टू द कंपनी हैव यू अपडेटेड इट जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो नई इंप्रूवमेंट्स आई हैं जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं मैं डॉक्टर की बात करता हूं वो डॉक्टर कि जो अपने आप को अपडेट नहीं करता और अभी भी वो पुराने मरकरी वाले थर्मामीटर के ऊपर बैठा हुआ है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हुए उसके इंस्ट्रूमेंट भी कैलिब्रेटेड नहीं है आई एम सॉरी फिर उसको सर्विस फी भी तीस और पचास रुपए देने वाले ही मिलेंगे इसलिए कि अब तो टेम्परेचर मेजर करने के भी बहुत सारे नए तरीके आ गए टेक्नोलॉजी पे इंटेलिजेंट बेस्ड और अब तो लोग घरों में वो इंटेलिजेंट गैजेट्स रखते हैं कि जो उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट मेजर करता है और हर चंद घंटों के बाद वो मेजर कर लेते हैं वो डॉक्टरों आपको बताते हैं मेरा ये ब्लड प्रेशर है मेरा ये पल्स रेट है कस्टमर्स एंड द पेशेंट्स आर इनफॉर्म्ड डॉक्टर हैज टू बी मोर इन्फॉर्मड प्लीज थिंक अबाउट इट इफ यू आर ए नॉलेज वर्कर यू आर ऑल्सो लिविंग द सेम नेटवर्क ग्लोब सो इज द कस्टमर तो अब नॉलेज वर्कर का नॉलेज जो है वह कस्टमर से नॉलेज से फिर थोड़ा सा हायर होना चाहिए ना बिकॉज यू आर ऑन दप्लाई साइट यू आर ऑन द प्रोड्यूसिंग साइट सो हेयर इज ए नॉलेज वर्कर who is concerned about what is being paid in terms of salary benefit bonus reward but appreciation self respect is also important number 2 he does not wait she does not wait that the organization will take care of its career mujhe kya promotion plan milega? he or she looks after her own career development kya courses padhne hain diploma karna hai? कौन सी डिग्री करनी है शाम को करनी है वीकेंड पर करनी है मुझे फ्लाई आउट करना आई एव सीन मेनी टाइम्स पीपल फ्रॉम बिग सिटीज बिग कंपनीज टेक अ वीक ऑफ गो टू सिंगापुर एंड मलेशिया एंड यूके एंड यूएसए टेक दैट कोर्स कम बैक हैव अ अंपिटिटिव एडवांटेज दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन नंबर थ्री वू चैलेंज द बॉस एंड द कंपनी and likes challenging projects. Knowledge worker, people like you, born after 1970, they are not shy to give the feedback to the boss. Sir, mujhe aapki baat pasand nahi lagi. Okay, yes, you are my boss, but I think this is how I think. Probably wo zamana boss is always right. वो कहेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट यू मे बी राइट बट आई थिंक आई थिंक इट लाइक दिस क्या कह रहे हैं आप आप यही कहना चाह रहे हैं ना यू ऑल्सो थिंक यू अर्न योर लिविंग रिमेंबर मैंने आपको वो किताब दिखाई थी प्रोफेसर थॉमस डेवनपोर्ट की 2006 में उसने लिखी नॉलेज वर्कर अर्न हिज लिविंग अर्नस हर लिविंग थ्रू थिंकिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऑफिस उनकी थिंकिंग के ऊपर पहरा नहीं बिठा सकते। तो क्या किसी ने वो पहरा बिठाया था यस वो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ना मैनेजमेंट का रिमेंबर आई स्पीक अ पोल का कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग की मेथडोलॉजी आपको चेंज करनी होगी नॉलेज वर्कर के साथ पुलिस मैन वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा अब तो पुलिस मैन भी उनका बिहेवियर स्पेशली स्पीकिंग ऑफ द मोटर वे पुलिस लेट बी अप्रीशिएट दे ऑफ देम आर नॉलेज वर्कर्स दे टेक फीडबैक दे सल्यूट यू वेन यू आर ओवर ड्राइविंग ओवर द लिमिट दे बिहेव वेरी वेल विद यू बट दे फाइन यू और आप भी फाइन पे करते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं आई थिंक ही वॉज राइट

With knowledge workers for controlling, Lekhi, controlling is a management ka function, so is. But how do you control? Kaise karte that depends, and that is what is important when you are dealing with net generation knowledge workers. Fine, if that is true, that we are speaking of the knowledge and net generation customers and knowledge workers. Many things I have put it together from the last three, four sessions. What are the new challenges then? You have to come up with new strategies. Why? Because the environment is dynamic. Take a look on the top of the slide. Haven't we discussed all these issues? Globalization, interdependence, information and knowledge base, competitiveness, uncertainty, speed and flexibility. अगर ये डायनेमिज्म है उस एनवायरमेंट का कि जिसमें आपकी कंपनी काम कर रही है आप रोल प्ले कर रहे हैं और फिर टेक्नोलॉजी कौन सी आपको एनेबल कर रही है इंटरनेट इज अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ आस वेरी चीप क्या ये सही नहीं है कि आप दस रुपए का कार्ड खरीद लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूज करते हैं दैट इज ट्रू एंड देन इंटरनेट आर यू नॉट टॉकिंग टू योर एम्प्लॉइज Many companies in Pakistan they have their own intranet. And how about extranet? You give access to the customers. Technology. Network technology. It is enabling the employees, it is enabling the customers, and also it is enabling the organizations. So each one of them is becoming information rich. So they keep jab. सारे एक्टर्स इंफॉर्मेशन रिच हैं तो कंपिटेटिव एज लेने के लिए जिसके पास इंफॉर्मेशन अपडेटेड होगी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन होगी एनालिटिकली वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा क्रिटिकली वो फीडबैक देगा और फ्यूचरिस्टिक होगा फ्लेक्सिबल होगा एडेप्टेबल होगा ही शी विल बी द वन हु इन हाई डिमांड

इट विल ऑल्सो कम डाउन हार्डवेयर आप नोट कर लीजिए मोबाइल फोन जो आप आज पांच हजार का खरीद रहे हैं मेरा ख्याल है तीन महीने के बाद वो तीन हजार का रह जाएगा शायद दो हजार का रह जाए नेक्स्ट उसका जब एडिशन आएगा उसमें फेसिलिटी ज्यादा होंगी कीमत कम होगी सेम इज द केस विद द हार्डवेयर विच इज पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी रिमोट एक्सेस यस रिमोट एक्सेस फॉर टेलीविजन रिमोट एक्सेस फॉर योर मोबाइल फोन जी मैं ड्राइव करना चाहता हूं मैं मोबाइल फोन को कान पर लगा के नहीं सुनना चाहता ओके सो यू कैन यूज अ ब्लूटूथ और वायरलेस गैजेट यू कंप्यूटर ओके फाइन इट्स अवेलेबल ई मेल की तो मैं बात ही नहीं करता हबाउट द ग्रुप वेयर इंटेलिजेंट एजेंट्स आप में से जो लोग गूगल को यूज करते हैं या जो ग्रुप वेयर शेयर करने के लिए अमंग डिफरेंट फ्रेंड्स वो आपके बुलेटिन बोर्ड्स ब्लैक बोर्ड्स शेयरिंग बोर्ड्स और फिर ये सारी मोबाइल कम्युनिकेशन आई वॉज हैप्पी वेन द गैस कंपनी एम्प्लॉई केम टू माई हाउस उसने मीटर देखा और उसके हाथ में एक छोटा सा गैजेट था उस पर उसने इंफॉर्मेशन नोट कर ली आई वॉज आई वॉज हैप्पी दिस इज हाउ पाकिस्तान इज एंटरिंग इन टू द डिवेलपिंग देखिए टेक्नोलॉजी अब जो वो पुराने क्लर्क नहीं रहे ना अब दफ्तरों के चक्कर भी जरा कम लगेंगे सिटीजन आर एम्पावर्ड बाय होम बाय द गवर्नमेंट बाय द कंपनीज तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई ये आ, कब से कर रहे हो कह तो काफी महीने हो गए वी एंटर द डेटा हियर थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस वी सिंपली गो In the office, and we put it and transfer the data with no time. Courier services. Ho na, ke data ka, office mein ja ke transfer karenge. Courier services. And many other companies in Pakistan I have seen they transfer the data while they travel. Order Lia, order vahinze Head Office Transfer ho

Okay, now they are coming up with an iPhone. And is don't facilities will They in market float They are coming up in 2-3 months. Affordable price. So the question is, number one, how are you going to develop a kind of product that you have an edge in the market? Company is So you manage the knowledge for the company how you raise the intellectual capital of the company, financial capital, ain't. intellectual capital, Ab intellectual capital of the company where the knowledge workers knowledge capital is contributing, so the word is becoming complex and the tough, you need a new strategies to deal with these new challenges, new structures. It is possible if one is ready to face it, a portable computers, this is very well known. So let us focus on the middle then, that is the dynamic environment, this is the kind of enabling technology, it's like technology knowledge management, team component, team actor, people, process and technology, PPT. कंटेंट भी आएगा जब हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करेंगे ना आप में से जो स्टूडेंट्स हैं शायद वो उसी का इंतजार कर रहे होंगे देखिए मेरे नजदीक पीपीटी के अंदर टेक्नोलॉजी सबसे आखिर में है आई स्पीक अबाउट पीपल फर्स्ट लोग मेरे साथ हैं तो आसमान से तारे तोड़े जा सकते हैं टेक्नोलॉजी भी मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आई कैन अपडेट टेक्नोलॉजी एंड आई विल इंप्रूव द प्रोसेस बिकॉज पीपल आर विलिंग टू इंप्रूव दू कॉन्टेंट सर्टनली ज फॉर नॉलेज शेयरिंग आई नीड अ डिफरेंट कॉन्टेंट फॉर नॉलेज क्रिएशन आई नीड अ डिफरेंट कॉन्टेंट फॉर नॉलेज डिलीवरी आई नीड अ डिफरेंट कॉन्टेंट पोर्टल के ऊपर नॉलेज पोर्टल कह लीजिए ये सारी चीजें जो है ब्लेंड की जा सकती है बट वट वी एर टॉकिंग हियर इज दैट इट मीन्स यू नीड ए न्यू वे ऑफ वर्किंग ए न्यू वे ऑफ मैनेजिंग दीज काइंड ऑफ कस्टमर्स दीज काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर्स देखिए कुछ मैंने यहां लिखा है सेल्फ मैनेज टीम लेट दम वर्क मैंने कहा था ना दे वुड प्रेफर टू सिट ऑन ए टेबल ऑन ए कप ऑफ टी एन इनफॉर्मल मोड प्लीज डोंट थिंक दे आर वेस्टिंग टाइम इंडस्ट्रियल माइंड सेट क्या है अभी भी बहुत सारे हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं वो जब यंग ग्रेजुएट्स मैनेजर्स साइंटिस्ट बैठ के गुफ्तू कर रहे होते हैं या कंप्यूटर के ऊपर कोई ईमेल शेयर कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं लगता है ये चैटिंग कर रहे हैं वक्त जाया कर रहे हैं ये चाय पी रहे हैं ये वक्त जाया कर रहे हैं मेरे भाई वो वक्त जाया नहीं कर रहे मेरी बहन वक्त जाया नहीं हो रहा ये जब ईमेल एक्सचेंज हो रही है जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है इनोवेशन इज कमिंग दैट इज वॉट द नॉलेज वर्कर्स आर डूइंग लेट दम डू लेट दम ब्रिंग बस आप उनको चैलेंज दीजिए आप उन्हें कहिए कि भाई हमने इस सिस्टम को इस प्रोसेस को इस स्ट्रक्चर को इस प्रोडक्ट को इस सर्विस को इंप्रूव करना है विल डू इट फॉर यू थोड़ा सा उनको थोड़ा सा काम करने का मौका दीजिए मुझे मालूम है मुश्किल है मेरे जैसे जो सीनियर मैनेजर्स हैं उन्होंने सीखा यही है कि नहीं जरा नजर रखो इनके ऊपर ये आ, आजकल के जो यंग आ, लोग हैं ये हर वक्त एस एमएसई करते रहते हैं आपको क्या मालूम कि उस एम एस एस के अंदर दे आर दे आर शेयरिंग वट न्यू इंफॉर्मेशन दे हैव लर्न फ्रॉम कस्टमर ठीक है कुछ पर्सनल शेयरिंग भी हो रही होती है बट पर्सनल शेयरिंग पर्सनल नॉलेज एक्सचेंज पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इफ इट टर्नस आउट टू बी एट द एंड ऑफ द डे फॉर द कंपनी फॉर द ऑफिस वट्स हर मिनट वी नीड टू चेंज अ माइंड सेट विल टॉक अबाउट द माइंडसेट ओके जी वर्चुअल टीम्स बहुत सारी कंपनियां है एक आदमी यहां है एक आदमी कहीं और है तीसरा आदमी कहीं और है विद इन कंट्री बल्कि अब तो आपने देखा होगा मोबाइल फोन के ऊपर भी आप एक क्या उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल लेट मी शेयर विद यू माई पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स एट होम मैं जरा कमी उस पर होता लेकिन घर वाले तो आप नहीं रोक सकते असन इन ऑस्ट्रेलिया एन सन इन यूएसए सीडिंग इन पाकिस्तान और बाज वो uh, कुछ टेक्निकल फेल्यूर जब होता है तो वो जो टेक्नोलॉजी वाला बैठा हुआ है स्टेट्स में स्टेट्स मच एडवांस इन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया इज टू बट स्टेट्स इज नॉर्थ अमेरिका इज मच फास्टर वो कहता है कि नहीं नहीं ठहरो मुझे ये जो uh, क्या है उसको डेस्कटॉप डेस्कटॉप की मुझे एक्सेस दे दो मैं यहीं से बैठ के इसको ठीक कर देता हूं दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो प्लीज वी नीड टू डिवेलप टू वर्क विथ परफॉर्मेंस इन अ वर्चुअल टीम नजर नहीं आ रहा है लेकिन नजर आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपकी डिलीवरी नजर आ रही है आपका नॉलेज नजर आ रहा है आप पब्लिश कीजिए आप कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजिए पीपल वुड इन्वाइट यू

वो क्या है टेलीवर्किंग ही तो है क्या करते हैं वो लोग सिर्फ गुफ्तगु ही करते हैं बाजुकात मुझे मैं एंजॉय करता हूं इस बात को जब आ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एमबीए वाले तो सिर्फ गुफ्तगु की खाते हैं अरे भाई वो गुफ्तगु मार्केटिंग व्हाट इज इट कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन विद द कस्टमर एंड कम्युनिकेशन फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन It pays off. That's an art. Isile banakata knowledge management is an art, it is science. Yes, I agree with the engineers, we need to measure, and we'll find how the knowledge and the intellectual capital has to be measured. And it is also part of luck. But luck is in your hand. You are master of your luck. Let's come with the new strategies then. Both strategies are nature leggiab. Local bana. लोकल सेल हो गया आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे उसमें ट्रक ही के जरिए से सामान ट्रेवल होता था आई डियर स्टूडेंट्स आपकी ई आपका वो डॉक्यूमेंट जो आपने ई के साथ अटैच कर दिया उसके लिए कोई ट्रक नहीं चाहिए उसके लिए मुझे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए उसके लिए मुझे कोई कुरियर सर्विस भी नहीं चाहिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अपने लेक्चर नोट्स अटैच करके Second, less than a second. It's there with the virtual university, and then it's all over the world with you. Fraction of a time. So, how can you come up with new strategies, with new knowledge base? If in the business, e commerce strategies, I message your business e marketing course B2B, B2C, C 2 C. these are the different strategies which are used for e-commerce depend karta hai aap kis ki aap strategy use karna chahenge micro segmentation We kaha segmentation into teens into 20s into 30s into 40s you come up with a product by micro segmentation fast innovation na main naam nahi leta hu un companies ka aap sochiye uh, mobile phone in uh, players mein, audio players in andar televisions अब तो जनाब स्मार्ट होम्स की बात हो रही है स्मार्ट रेफ्रिजरेटर स्मार्ट यू नेम इट बट द स्मार्ट प्रोडक्ट स्मार्ट सर्विस विल बी गिवन बाय स्मार्ट पीपल अ कंपनी विच हैज मोर स्मार्ट पीपल विल गिव यू बेटर स्मार्ट सर्विसेज इनोवेटिव सर्विसेज और देखिए फिर बात हो रही है न्यू स्ट्रक्चर की आपने भी नोट किया होगा बैंक आर ज्वाइनिंग टूगेदर मर्जिंग टूगैदर एक के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दूसरे के पास कस्टमर्स हैं तीसरे के पास अच्छे बैंकर्स हैं वर्कर्स हैं नोट कीजिए मार्केट पाकिस्तान के अंदर मैं नाम नहीं लेता अब उन बैंक्स का जो छह महीने पहले थे अब नहीं है सारी उनके कस्टमर्स की लायबिलिटी, उनके अकाउंट्स उनके क्रेडिट कार्ड्स वो सब नया प्लेयर जो है नई कंपनी जो है उसको ओन करती है वो जमाना अब नहीं है वो कहेंगे वो पुरानी कंपनी बंद हो गई आप तो उसके कस्टमर थे उन्हीं से जाकर शिकायत कीजिए नहीं न्यू स्ट्रक्चर न्यू मर्जर्स न्यू अलायसेस न्यू अलायसेस का मतलब ये हुआ कि जो कल के कंपटीटर थे एक दूसरे को कंपीट कर रहे थे आज के वो पार्टनर हैं कोलेबोरेटर हैं Many courses from the platform of virtual university are shared with many universities around the world. Of university or university, so competitor hui na? No, not anymore. Let us join hands together. I have an example earlier. I repeat. Karta MIT has shared many of courses' ki outline on the website. What is website? I think. Uh, OCW, ओपन कोर्सवेयर और एम की यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से किसी ने पूछा कि भाई ये आपने सारा नॉलेज जो है कोर्स आउटलाइन, जैसे इस कोर्स की ऑटलाइन उस किसी प्रोफेसर ने बनाई उसका अपना एक्सपीरियंस है कि क्या क्या टॉपिक्स में कवर करूंगा किस तरह से ये पंद्रह हफ्ते गुजरेंगे और फिर ये अपडेटेड होना चाहिए तो किसी ने उस प्रेजिडेंट से पूछा है कि आपने एम इज वन ऑफ दी Top five universities of the world. He course outlines web cuperagdi sari ke share Number one, people will be using it and speaking good about MIT. Knowledge sharing is more powerful. Number two, giving you this knowledge does not mean we are putting more pressure on the professors of MIT. Innovate more, come up with a better one. ye. It does not stop us to deliver the content in the best way possible at home, in the office, in the classroom, at the campus of MIT. And when I visited the Sloan Business School of MIT, remember, I told you I'll take you around the world. I took a course there. I visited Sloan Business School.

लेकिन देखिए ये सब कुछ मेरी इस कोर्स की पावर पॉइंट स्लाइड मेरे इस कोर्स के लेक्चर नोट मेरे इस कोर्स की सारी चीजें आपको अवेलेबल हो गई बट that मीन that यू विल बिकम डॉक्टर रशीद कौशर और ऑल ऑफ a सडन यू विल स्टार्ट बिकमिंग एंड गिविंग लेक्चर लाइक मी प्रॉबली नॉट दैट्स माई एच दैट्स माई एक्सपर्टीज दैट्स हाउ You learn over a period of time. You explicit knowledge, but anyhow, with this kind of word, you have to think now what kind of new strategies you will come up and new structures you will come up. My dear students, let me share with you then that in this course, from time to time, and this is for the first time. I'll raise certain questions, some points that you will ponder on, you'll think upon, you'll reflect upon, so you come up with new ideas. Point number one for you to ponder, think about it, ask your colleagues, maybe ask some professors, look at the website, see what is the answer. Number one, what knowledge do you need?

what factors justify the adoption of knowledge management by the organizations? it's like a knowledge management when you will develop these systems for the organization. like in personal level, par apne knowledge, ko manage they can actually use system is now. Uh, of course, but i have used the technology. but knowledge management, when we speak of, we speak with the perspective of organization. Jahan 20, 50, 100, 3, 000, 5, 000, the sazar around the world. i know one company. i worked for it as a consultant for many years. The 80 countries, they have their presence in 80 countries. and i feel glad. the bhojaka engineer, japan, mejaka, unke process co-improve karta. malke. koriabulayagya head of the engineering department, jotha unke. Uh, टाइम रिडक्शन का मसला था उनके प्रोसेस के अंदर टाइम ज्यादा लग रहा था तो ही सजेस्टेड मेथडोलॉजी फ्लो चार्ट ही है ना कि भाई काम इस तरह नहीं ऐसे कर लो रिडक्शन हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जरा दो आदमियों को अपने साथ भी ले जाइए हम जरा पाकिस्तान चल के देखते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस इट फर्दर दैट्स वेयर द नॉलेज मैनेजमेंट कम्स इन और तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे एक्सपेक्ट uh, कर रहा हूं थिंक अबाउट इट ponder upon keep on thinking while sitting while talking while eating while walking thinking who do you network with now, social network you will use technology network but socially you will be connected to who do you network with ask this yourself write down the names what benefits do you get from your networking? खाली वेस्टेज ऑफ टाइम है खाली चैटिंग है नो इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर कैरियर डेवलपमेंट, फॉर द न्यू गोल्स फॉर द न्यू मूवमेंट इन द कैरियर वेल देन दिस वेस्टेज ऑफ़ टाइम वेस्टेज ऑफ एनर्जी वेस्टेज ऑफ मनी वी आर टॉकिंग हियर नेटवर्क इसको हम कहते हैं नेटवर्क कैपिटल सोशल कैपिटल रिलेशनशिप कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसको आप जानते हैं कैसे उसको आप कॉल करके आंसर ले सकते हैं और देखिए प्रोफेशनली एथिकली आपको जरूरत पड़ती है तो इनके आंसर दीजिए और आंसर देने के बाद लेट मी शेयर विद यू एन एक्सरसाइज और इस exercise, इस एक्सरसाइज को भी आपको घर पे ही करना है आपको इसके आंसर सबमिट नहीं करने वो एक्सरसाइज आपको अलग से एज ए सबमिशन के लिए आएगी लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप आए तो सोच के आइएगा इसके बारे में मैं भी आपसे कुछ आंसर शेयर कर लूंगा नॉलेज एक्सरसाइज विजिट ए स्मॉल बिजनेस इन योर टाउन नाउ यू गो टू दैट बिजनेस विद दिस मैसेज इन माइंड अभी तो आप पहले जाते होंगे वहां लेकिन अब आपने जाना है यू विजिट दैट इन योर टाउन मैंने यहां आपको बेकरी भी लिखी लेकिन बेकरी कोई अच्छी क्वालिटी वाली बेकरी होनी चाहिए जिसका केक जो है जरा अच्छी कीमत का हो मार्केट के अंदर लोग उसकी तारीफ करते हो पाकिस्तान में बहुत है स्टे देर लॉन्ग एनफ To get a feel for the information being exchanged between the employees, between the employee and the customer, on phone, and maybe some you will find where they are using computers. Depend on Information being exchanged, customers' questions being asked. Ab zara suniye sirf usko Information exchange ho rahi? Is microwave oven mein क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं इसकी दूसरे माइक्रोवेव की नस्बत क्या इंटेलिजेंस है इस मोबाइल फोन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की हम बात कर रहे हैं ये जो हार्ड डिस्क है इसकी स्पीड इस दूसरे के मुकाबले में इसका मेटीरियल दूसरे के मुकाबले में ये कितने जी बी की है क्या प्राइस है ये सी हाउ द इंफॉर्मेशन इज बींग एक्सचेंज And the kind of questions the customer is asking and the way the business is being run. Is it a knowledge-based business? It's like a second question. A part is exercise. Write a short report for yourself about the core knowledge of the business. And are there some knowledge workers there or manual workers there? Or just clerks? That is the difference you have to make. ज वर्कर्स मैनुअल वर्कर्स या क्लर्कस दिस ऑन द इंफॉर्मेशन दिस ऑन द फाइल दे डोंट शेयर दैट दे हाइडर एंड दे थिंक वी आर द किंग ऑफ दिस फाइल नॉट एनी मोर हॉ लॉन्ग दे विल स्टिक टू दोज फाइल्स मुझे हैरानी होती है अभी भी उन ऑफिस को देखकर कि जहां एम्प्लॉ की सर्विस बुक ऐसे संभाल के रखी जाती है और सारी उम्र सारी सर्विस के अंदर एम्प्लॉय को दिखाई नहीं जाती अरे भाई ये मेरी तो सर्विस बुक है मेरे बारे में तो डेटा और इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है मुझे सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर ही मिलेगी नाउ आर कंपनीज दे शेयर दे आस्क द एम्प्लॉई इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वट आर योर गोल्स फॉर दिस ईयर देन एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस अप्रेजल हाउ डिड यू परफॉर्म डिड यू रीच दो वट वर कंस्ट्रेंट 360 डिग्री फीडबैक सो मैनी न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग सो द्लॉय फील्स मोटिवेटेड उसको अच्छी इंक्रीमेंट लग जाए कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट तो हो ना तो आपको देखना है नॉलेज एक्सरसाइज है इसका मतलब यह है नॉलेज एक्सरसाइज का मतलब ये होगा पहले कुछ डाटा गैदर कीजिए मैंने कहा था ना इंफॉर्मेशन बींग एक्सचेंज कस्टमर आस्किंग क्वेश्चन एंड द वे बिजनेस इज रन ऑब्जर्वेशन हियरिंग कुछ नंबर एक्सचेंज ये सब डाटा है फैक्ट्स हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो और फीलिंग फीलिंग भी तो डाटा है अब आप कहेंगे जी फीलिंग को मेजर कैसे किया जाए हां जरा मुश्किल काम है अभी तक वैसे मैंने देखा नहीं कि कोई ऐसा मीटर बनाओ जो लोगों की फीलिंग्स को मेजर करता हो हाँ ये तो देखा है कि लोगों के जब कान लाल होते हैं तो पता चलता है इनकी फीलिंग्स जरा हर्ट हो रही है लेकिन शायद विद विदेज ऑफ टाइम एक तो मैंने सुना इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में समबड़ी एज कम अपनी टीच पीपल हाउ टू बिकम हैप्पी एंड द चार्ज वे बी फोर और फाइव हंड्रेड डॉलर पर डे जिनाबे वाला नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में तो फिर यही होगा कैन यू कम अप समथिंग लाइक दैट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में भी बहुत हैप्पीनेस की जरूरत है और लोगों को खुश रखना एम्प्लॉज को खुश रखना कस्टमर्स को खुश रखना हैप्पीनेस यही तो है यू मेक द लाइफ ऑफ अदर पीपल इजी एंड इफ बिकमिंग नॉलेजफुल मेकिंग देम नॉलेजफुल एंड नॉलेज एबल तो ये जरा छोटी सी रिपोर्ट लिखिएगा और खास तौर पर आपने एनालाइज करना है कि वहां कोई नॉलेज वर्कर है या नहीं मैनुअल वर्कर है जो सिर्फ अपने मसल्स को यूज करते हैं फ्रिज उठाया उधर रख दिया उसकी भी जरूरत है लेकिन हमें हाथों से काम लेना है हेड को भी यूज करना है और अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरह से ट्रांसफर करना है कि वी गिव द हार्ट एंड द हेड टू द कस्टमर एंड टू द कंपनी एंड वी कंट्रीब्यूट आवर स्किल सेट आवर एक्सपर्टीज आवर एक्सपीरियंस डेटा कलेक्ट करेंगे कहां से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या बेकरी से नोट्स ले लिया आपने वो आपका डाटा हो गया अब आप उन नोट्स को कंपेयर कीजिए कंपाइल कीजिए कंपेयर कीजिए एनालाइज कीजिए information generate key information kis information about electronic store xyz information about electronic store in bahawalpur electronic store in nusaira electronic store in Tata. okay then how the store in Tata can be compared the store in bahawalpur information comparison and then on the basis of that you add your experience and expertise and create your knowledge which is your personal knowledge. How can you use that? Ask a salesman Ask a marketeer whose duty is this go around in the market, take some notes, bring back, write a report and give analysis and the analysis who gives better analysis his promotion is also 10 to 20, to 50 thousand faster So my dear student, this is a game of knowledge व टू लर्न द टिप्स एंड द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ऑफ द गेम हाउ टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंपनी एंड हाउ टू डेवेलप योर सेल्फ एंड योर कैरियर मैंने आज आपसे शेयर भी करना था कि कैसे एग्रीकल्चर और अग्रेरियन इकोनॉमी से हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पर पहुंचे और फिर अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम नॉलेज एक्सरसाइज पर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अगले सेशन तक इसकी कुछ ना कुछ एक छोटी सी रिपोर्ट अपने पास रखिएगा और फिर इस बेस पर कि कौन नॉलेज वर्कर है मैनुअल वर्कर है क्लर्क्स हैं हम बात करेंगे किस तरह से चेंजेस आ रही हैं ये तो इंशाला नेक्स्ट सेशन में फिर आप इस एक्सरसाइज की रिपोर्ट जरूर बना के लाइएगा और वी विल सी हाउ वी कैन यूज दिस नॉलेज टू अराइव एट ए पॉइंट हाउ दी economy have changed from agriculture to industrial to knowledge based thank you very much and khuda hafiz until next session